ओके, स्वागत है दोस्तों आज सभी का। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी 7th क्लास की, जो कि न्यू एनसीईआरटी है। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है। अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ से उस वीडियोज़ को देख लेना है, क्योंकि एक हम लोग पूरी कहानी को पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसके पहले क्या हुआ है, तो आपको और अच्छे से आसानी से जो पुरानी चीज़ों को आप इंटरकनेक्ट कर पाओगे और उससे आपको पूरी चीज़ों को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम लोग मेनली जो 12वीं शताब्दी से लेके 15वीं शताब्दी का मेडिवल हिस्ट्री है उसको कवर करेंगे, या आप ये भी बोल सकते हो कि 1200 से लेके जो 1526 का काल है उसको हम लोग कवर करेंगे। अब ये हो गया। उसके बाद जब हम लोग 1526 से लेके 1761 के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, मुगल पीरियड पढ़ते हैं। तो अगले कुछ चैप्टर्स हम लोग मुगल पीरियड के बारे में देखेंगे, लेकिन अभी जो हमारा मेन फोकस है वो है 1200 से लेके 1500 तक, ठीक है, जो कि आप लोग को इस चैप्टर के नाम में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको ये बात समझ लेना चाहिए कि ये न्यू एनसीईआरटी है 2024 के हिसाब से। अगर आप लोग पुरानी एनसीईआरटी में देखते हो तो इस चैप्टर का नाम है दिल्ली के सुल्तान, तो आपको कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है। कुछ चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी ने रिमूव कर दी है, और अगर जो चीज़ों को रिमूव कर दिए तो उन चीज़ों के ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे, पर समय समय पर अगर आवश्यकता पड़ती है तो उन चीज़ों को भी हम लोग इंटरकनेक्ट आपको करते हुए चलेंगे। एक और बात, हम लोग पुरानी एनसीईआरटीज को भी कवर करने वाले हैं, तो अगर आप लोग वो वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो वो वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, और अगर आप लोग न्यू वीडियोज़ तो अभी हम लोग यहाँ पर कर ही रहे हैं, तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। बस आपको जो भी 35 से 40 मिनट का समय है, एक पेन और एक पेज या फिर एक पूरा नोटबुक लेके बैठना है और लगातार जो चीज़ें मैं आपको बताते जा रहा हूँ उसको कनेक्ट करते हुए चलते जाना है। एनसीईआरटी आपकी लगभग 1 महीने में पूरी कंप्लीट हो जाएंगी, और जिससे आपको आने वाली जो बड़ी बड़ी किताबों हैं उसको पढ़ने में काफ़ी आसानी मिलेंगी। अगर आप लोग 7th क्लास के स्टूडेंट हैं तो उसको 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी बनाई जा रही है वीडियोज़, और एज वेल एज़ अगर आप लोग सिविल सर्विस या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव की पढ़ाई कर रहे हो तो वो लोग भी इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो दोनों ही को ध्यान रखकर इन वीडियोस को बनाया गया। तो मेडिवल हिस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिस हिस्ट्री में हम लोग कह सकते हैं कि ये यहाँ पर जो काल है 1500 से लेके 1526 या 1500 तक, तो लगातार यहाँ पे लड़ाइयाँ या फिर कॉन्फ्लिक्ट देखे गए, ठीक है। तो इसको हम लोग पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें फाइट हुई अगेंस्ट राजपूत के, उसके बाद नोबिलिटीज़, ठीक है, उसके बाद ऐसे बहुत सारे जो दिल्ली सल्तनत है वे आते गई और किस तरह से यहाँ पे चीज़ें होते गई। तो जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र जो कि बड़े राज्यों का केंद्र बन गए थे, हमको पता है कि जब हम लोगों ने कावेरी डेल्टा पढ़ा तो वहाँ पर किस तरह से वे बड़े बड़े केंद्र बन गए थे। फिर आप लोगों ने गौर किया होगा कि अब तक आप लोगों ने 15वीं शताब्दी तक, मतलब 12वीं शताब्दी से लेके 15वीं शताब्दी ये हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके पहले आप लोगों ने कहीं पर भी दिल्ली का नाम से नहीं सुना है ना, दिल्ली आप लोगों ने कहीं भी नहीं सुना है। तो इसका मेन रीज़न यही है कि दिल्ली दिल्ली जब आया तो दिल्ली 12वीं शताब्दी में आया है ना। सबसे महत्वपूर्ण शहर कब बना, दिल्ली 12वीं शताब्दी में बना। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली सबसे महत्वपूर्ण है ना, सबसे महत्वपूर्ण शहर कब बना, तो आप बता सकते हो 12वीं शताब्दी में दिल्ली सबसे महत्वपूर्ण शहर या बहुत ही महत्वपूर्ण जगह बनी गई, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हमको पता है कि पहले, ठीक है, पहले पहल तो तोमर राजपूतों में काल में दिल्ली के साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पता है चौहानों को हम लोग क्या कहते थे, चाहमान भी कहते थे, तो इन्होंने इसको क्या किया, हरा दिया, और तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। तो ओके, तो इस तरीके से जो महत्वपूर्ण केंद्र बन गया किनके लिए, तोमरों और चौहानों के लिए दिल्ली, ठीक है। तो इनका राज्यकाल चल रहा था, क्योंकि सबसे पहले राजपूत डायनेस्टी जो कि राजपूत वंश आप कह सकते हो वो लोग आए, उसके बाद जो तोमर थे जिसमें तोमर के अंदर अनंगपाल जो कि 1130 से लेके लगभग 1145 तक उनका राज रहा। तो अब हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से राज बढ़ते गया और कैसे कैसे जो डायनेस्टी है वे बढ़ते गई, किसको किसने हराया, किसको किसने जीता किससे, ये सब चीज़ों को हम लोग आज कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको पता होनी चाहिए कि
जब महत्वपूर्ण केंद्र बन गया किन लोगों के लिए, तोमरों और चौहानों के लिए, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, है ना। आपको पता है कि समय के हिसाब से जो जो राजाओं का रूल आते गया, जिन लोगों ने राज करते गया, उन लोगों ने अपने अपने हिसाब से और अपने अपने जो धर्म है उनको फैलाने के लिए मंदिरों का निर्माण कराया। तो कोई और शासक आए तो किसी और शासकों ने और चीज़ों का निर्माण कराया, तो ये आपको देखने को हमेशा से मिलता ही है, ठीक है। यहाँ देवलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे, तो जो सिक्कों को डेहलीवाल कहा जाता है वे सिक्के भी इस समय में डाले गए। कब? 1200 शताब्दी में, है ना, 12वीं शताब्दी में सिक्के भी डाले जाने लगे, जो कि काफ़ी प्रचलन थे, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हो मानचित्र एक को अगर हम लोग देखें तो 13वीं और 14वीं, मतलब 13वीं सेंचुरी एंड 14वीं सेंचुरी में दिल्ली के कुछ जो दिल्ली सल्तनत है, अब सल्तनत क्या होता है, मेनली सल्तनत वो होते हैं जो कि सुल्तान होते हैं, है ना। तो सल्तनत अगर आपको कहीं पर दिखता है तो आपको इस चीज़ से ये समझना है कि जो सुल्तान के राज्य को, है ना, सुल्तान का जो राज होता था उसे क्या कहते हैं हम लोग, सल्तनत कहते हैं, ठीक है। तो उनके कुछ शहर है, जैसे कि आपको ये फिरोजाबाद देखने को मिल जाएगा, उसके बाद फिरोज शाह कोटला आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग दिल्ली में अगर अभी रहते हो तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से इंटरकनेक्ट कर पाओगे, इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलते रहता हूँ कि जब भी आपको मौके मिले तो आप लोग को इन जैसे हिस्टोरिकल शहर है वहाँ पर अगर जाने का आपको मौका मिलता है तो आप उसको कभी भी मिस ना करें, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख लोगे देवली कूना, उसके बाद तुगलाबाग, आदिलाबाद, ठीक है, और ये कुतुब मीनार, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्या दिखेंगे, दिल्ली सल्तनत के कुछ चुने हुए शहर हैं, ठीक है। उसके बाद 13वीं शताब्दी के आरंभ में सल्तनत की स्थापना हुई, मतलब जो सुल्तान थे वे राज करने लगे, तो और इनके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी बदल गई जिसका नियंत्रण उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था। तो जैसे कि हमको पता है कि 12वीं शताब्दी के आस, जब 12वीं शताब्दी में दिल्ली एक बहुत प्रसिद्ध शहर बनते गया तो वहाँ पर नियंत्रण बहुत फैलते गया, ठीक है। अगर हम लोग तालिका वन को देखें तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि जो उन पांच वंशों, मतलब पांच जो डायनेस्टी है उनकी उनकी पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी, है ना। तो आज अभी हम लोग देखेंगे कि किन सल्तनतों ने या किन डायनेस्टी ने, किन वंशों ने ये दिल्ली पर राज किया, और जिस इलाके को आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ इन सुल्तानों के अनेक नगर बसाए, ठीक है। जैसे कि मानचित्र एक में हमने देखे हैं कि दिल्ली के कुन्हा, सीरी और जाबना को आप पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस मैप को समझा कि किस तरह से 12वीं शताब्दी के बाद कई सुल्तान आते गए और उनकी सल्तनत बनती गई, वे राज करते गए। तो इस तालिका में आप लोग समझ सकते हो कि जो दिल्ली के शासक थे वे मुख्य तौर पर कौन थे, ठीक है। तो सबसे पहले राजपूतों ने, अब जैसे हमने देखा कि राजपूत और जो चौहान थे उन्होंने सबसे पहले राज किया। तो जो आरंभिक 12वीं शताब्दी, मतलब स्टार्टिंग में जब 12वीं शताब्दी, मतलब 1165 में तोमर का राज रहा, जिसमें अंगनपाल ने 1130 से लेके 1145 तक यहाँ पर राज किया। उसके बाद किसने, चौहानों ने इनको हरा दिया, और पृथ्वीराज चौहान जब, मतलब चौहान जब आए तो पृथ्वीराज चौहान, जो कि हम लोग प्रीवियस में भी पढ़ चुके हैं, है ना, द्वितीय जो था पृथ्वीराज चौहान उसके बारे में, तो वो आप वीडियोस आप लोगों को देख लेना है। उसके बाद देखो कि किस तरीके से यहाँ पर इन लोगों ने राज किए, फिर इन सबको हरा कर, है ना, इन सबको हरा कर कौन आए, तुर्की शासक आए। तो मेनली जो आज हम लोग पाँच पढ़ने वाले हैं उसमें से हमारा क्या है, पहला तुर्की शासक है, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है हमारा तुगलक वंश, और चौथा है हमारा सैयद वंश, और पांचवा है हमारा लोधी वंश। तो मेनली इन पूरे जितने भी डायनेस्टी है उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि जब तुर्की शासक आए तो यहाँ पर इसके पांच आए, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि आपको पता होना चाहिए कि जो कुतुब मीनार है वो इसी के द्वारा बनाया गया, तो 1206 से लेके 1210, मतलब 4 साल के इसके राज्य में उसको भी बनाया गया। उसके बाद शमशुद्दीन इल्तुतमिश आया 1210 से लेके 1236 तक, बहुत बड़ा राज था इसका 16 साल का, है ना। फिर उसके बाद रजिया आई, उसके बाद गयासुद्दीन बलबन आया जो कि 1266 से लेके 1200 मतलब 687 तक इसका राज रहा। फिर उसके बाद खलजी वंश आया जो कि 1290 से लेके 1320 तक चला, है ना। तो यहाँ पर आपको दो दिखेंगे मेनली, जलालुद्दीन खलजी और अलाउद्दीन खलजी। तो अलाउद्दीन खलजी के बारे में हम लोग और भी यहाँ पे जानकारियों को हासिल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप देखोगे कि तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहब्बत
ठीक है, उसके बाद कौन आया, मुहम्मद तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, तो इन लोगों का राज आते गया। उसके बाद सैयद डायनेस्टी आई, जिसमें जिक्र खान ने 1414 से लेकर 1421 तक में राज किया। उसके बाद लोधी वंश आए, बहलोल लोधी, और उन्होंने 1451 से लेकर 1489 मतलब 90 तक यहाँ पर राज किया। तो इस तरीके से जो 5 डायनेस्टी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये आगे हम लोग पढ़ने वाले इंटायर पूरी हमारी एनसीईआरटी की जर्नी में, तो वहाँ पर आप लोग देखोगे। अब देखो, हम लोग पर्टिकुलर कोई भी, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग पर्टिकुलर कोई भी जो राजा था उसके ऊपर पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे। जितनी चीज़ें एनसीईआरटी में दी गई है उतनी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे, उससे ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपसे उम्मीद भी नहीं किया जाता है कि 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप लोगों को इन सब राजाओं के बारे में पता हो। तो ये चीज़ों का आप लोग को ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हम लोग पूरा हमारा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब सुल्तानों के अधीन दिल्ली आया, तो वहाँ पर क्या हुआ, इतिहास। ठीक है, तारीख है ना, इतिहास तो तारीखों की एक चीज़ है। तो तारीख एक एकवचन शब्द है, तारीख मतलब आप बोल सकते हो इसको डेट, ठीक है। और तवारीख एक बहुवचन है, मतलब एक वचन अगर सिंगुलर है तारीख, तो उसका जो बहुवचन है तवारीख, मतलब एक तारीख और बहुत सारी तारीखों को हम लोग बहुवचन कहते हैं। जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा में फारसी लिखी गई, ठीक है, परिसियन, तो आपको पता है इन भाषाओं का उपयोग करके वहाँ पर दिल्ली के जो सुल्तान है और उस जगह की जो उनकी काल है पूरा उसको लिखा गया। अब ये लिखता कौन था, है ना, ये भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो तवारीख के लेखक थे वे मेन तौर पर कुछ बहुत महान लोग हुआ करते थे, ऐसे कोई भी आकर तवारीख को नहीं लिखा करते थे। वहाँ के कुछ मुख्य लोग जो जैसे कि सचिव आप हो सकते हो, है ना, प्रशासक, कवि और दरबारी जैसे सुरक्षित व्यक्ति होते थे जो तवारीख को लिखा करते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे। जो घटनाएं हो रही होती थी तो तवारीख में उन घटनाओं का, है ना, उन घटनाओं का वे वर्णन करते थे, और शासकों को प्रशासन की सलाह संबंधी भी वे दिया करते थे कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। और उस समय के जो शासक थे वे भी इनकी बातों को बहुत अच्छे से सुना करते थे, ये वंशागत शासन के महत्व को बल भी दिया करते थे। ठीक है, अब हमारे पास एक न्याय चक्र है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, जो कि 13वीं सदी के इतिहासकार किसने, फख्र ए मुकद्दर मुदबिर मुदबिर ठीक है, इसने लिखा है। तो उसका लिखना क्या है ये भी हम लोग देख लेते हैं। राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, ये बहुत चीज़ बड़ी बहुत बहुत कॉमन सेंस है कि कोई भी एक राजा है तो वे बिना सैनिकों के काम नहीं कर सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते, ये भी एक ऑब्वियस है कि अगर आपको वेतन ही नहीं मिलेगा तो आप काम क्यों करोगे। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से। जब उस समय में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में भी देखा, प्रीवियस चैप्टर में भी देखा कि किस तरह से लोग किसानों से जो कर एकत्रित करते थे, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेगा जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। अब आप इस चीज़ को समझिए कि अगर कोई किसान अगर खुश नहीं है, वो खुशहाल नहीं है, वो प्रसन्न नहीं है, तो वे क्यों मेहनत करेंगे। कोई भी चीज़ अगर आप करते हो तो उसके पीछे एक रीज़न होता है ना, तो इस रीज़न के तहत आप अगर खुश हो प्रसन्न हो तो उस काम को आप लगन और उससे करते हो। अगर आपको पैसा ही नहीं मिलेगा तो आपको लगन, आप खुश कैसे होंगे, तो आप काम भी नहीं करोगे। तो ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। तो ये सब डिसाइड होता था कि राजा किस तरह से इन लोगों को खुश करे और वे उनके लिए फिर काम आए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा को प्रजा के बीच के संबंध को समझाने के लिए उपयुक्त शब्द है। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग आगे चलेंगे। तो अगर हम लोग आगे चले तो आप लोगों को कुछ बातें ध्यान में रखनी है। जैसे कि नंबर 1 पे अगर हम लोग देखें तो जो तवारीख के लेखक है वे विशेषकर या फिर आमतौर पर दिल्ली में ही रहते थे। ठीक है, वे कभी कभी हो सकता है कि वे गांव में भी रहा करते होंगे, पर विशेषकर जो तवारीख थे वे गांव में ही रहते थे। उसके बाद अगर हम लोग नंबर 2 को देखें तो वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए वे इसीलिए लिखते थे क्योंकि वे उनसे आशा करते थे कि या उम्मीद करते थे कि जब वे तवारीख लिख रहे हो किसी शासक की तो वे उन्हें क्या दे, इनाम या इकराम दे, है ना। इनाम इकराम जो दोनों, इनाम तो आपको पता है क्या होता है, इकराम वही होता है कि भेंट दे बहुत सारे, तो ये वो शब्द है। ठीक है, फिर उसके बाद 3rd नंबर की अगर हम लोग बात करें तो ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार, जैसे कि आपको पता है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, कुछ चीज़ें होती है जो कि हम लोग जन्मसिद्ध अधिकार जिनको हम मानते हैं, और लिंग भेद। ठीक है, तो दोनों शब्दों को आप याद रखना है, पर आधारित आदर्श
तो जन्म सिद्ध अधिकार हो गया, लिंग भेद हो गया, एक दूसरे से हम एक जो लिंग है उसमें दोनों में समानता है, ये सब जो चीज़ें थी वे तवारीख लोग क्या करते थे, जो शासक थे उनको कहते थे कि वे इस तरह की जो चीज़ें हैं वे समाज में बनाए रखें जिससे जो समाज है वे संपूर्ण तरीके से चल पाए। ठीक है, तो उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे, कुछ लोग सहमत होते थे पर कुछ लोग नहीं होते थे। तो लिंग भेद वही होता है जो कि सेम जो कानून है या जो भी चीज़ें हैं वे स्त्रियों के ऊपर भी उतनी ही लागू हो और उसी के साथ साथ पुरुषों के ऊपर भी उतनी ही लागू हो, किसी भी तरीके से लिंग भेद ना हो कि अगर कोई स्त्री है तो उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा है या उसको सुविधाओं का ज़्यादा उपयोग करने नहीं दिया जा रहा है, तो ये सब जो चीज़ें हैं वे सभी के लिए समान हो। ठीक है, उसके बाद जैसे कि जन्मसिद्ध अधिकार, वो अधिकार होता है जो कि विशेषकर दावा, हम लोग दावा करते हैं ना कि ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वे जन्मसिद्ध अधिकार कहा जाता है। अगर हम लोग आगे चले तो सन 1236, हम लोग 1200 शताब्दी के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो सुल्तान इल्तमिश की बेटी सजिया सिंहासन पर बैठी। तो जैसे कि हमने देखे थे कि यहाँ पर, ठीक है, रजिया, ठीक है, ये किसकी बेटी है, ये शमसुद्दीन इल्तमिश की बेटी है। ये क्या कि इसने सिंहासन पे बैठी, मतलब आप समझ सकते हो कि जो लिंग भेद है वह अब नहीं हो रहा था। अगर राजा लोग बन रहे थे, पुरुष लोग अगर राजा बन रहे थे तो उसी के साथ साथ जो स्त्रियां थी वे भी सिंहासन पे बैठ रही थी। ठीक है, उस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया। तो एक इतिहासकार थे उस समय में, कौन, मिन्हाज ए सिराज, ठीक है, उन्होंने ये स्वीकार किया इस बात को कि कोई अगर स्त्री है वे सिंहासन पे बैठती है, तो इस चीज़ को इस इतिहासकार ने क्या किया, स्वीकार किया कि वे अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य की समक्ष थी। मतलब जो रजिया थी वे अपने जो भाइयों, मतलब जो भाई थे उसके, उनमें से वे समक्ष थी और वे जो क्या बोलते हैं उसको, रानी बनने के लायक थी। ठीक है, तो उन कंपेयर अगर करें उस समय पे मिन्हाज सिराज ने, तो वे सच में समक्ष थी, ऐसा नहीं कि वे केवल लिंग भेद ना हो करके वे रानी बन रही है, वे समक्ष थी उस चीज़ के लिए करके उन्होंने वहाँ पर सिंहासन पे वे बैठी। ठीक है, लेकिन फिर भी एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। होता है कुछ लोगों की मान्यता होती है कि अगर कहीं पर स्त्री बहुत ज़्यादा चीज़ों को रूल करे तो जो पुरुष है वह उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो ये चीज़ें वहाँ पर भी देखी जा रही थी। उसके बाद दरबारी जन जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे, तो वे जिस तरह से शासन कर रही थी तो जो वहाँ के लोग थे वे भी उस चीज़ से उतने प्रसन्न नहीं थे। लोग नहीं चाहते थे कि जो स्त्री है वे रूल करे, वे सिंहासन पे बैठे। ठीक है, उसके बाद सन 1240, मतलब 36, 4 साल के बाद उसे सिंहासन से हटा दिया गया। होता है ना कि जब बहुत सारी तकलीफें परेशानी आती है तो उस चीज़ से वहाँ से आपको इस्तीफा देना होता है या फिर लोगों द्वारा चीज़ों को किया जाता है और उनको वहाँ से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है सिंहासन से। तो ये सब चीज़ें पहले भी होती है, अभी भी आप लोग को ये सब चीज़ें दिखाई जा रही है। तो हम जानते हैं मिन्हाज सिराज कौन थे, एक बहुत बड़े इतिहासकार थे, तो उनके कुछ विचार थे रजिया के लिए, तो वे जो विचार है वे क्या है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो मिन्हाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श, ठीक है, समाज में व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्री को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। तो उनका ऐसा कहना है कि जितनी भी रचनाएं हैं ये जो भगवान ने या ईश्वर ने बनाया है, उनका उनका ऐसा कहना है कि जो स्त्रियों को पुरुष से अधीन होना चाहिए, वे ऐसा मानते हैं। कौन मानते हैं, इतिहासकार मिन्हाज सिराज मानते हैं। और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है, इसलिए वे पूछते हैं, वे जो मिन्हाज सिराज इतिहासकार है वे क्या कर रहे हैं, खुदा से पूछ रहे हैं कि खुदा की रचना खाते में उसके ब्यौरा, चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्यों हुआ, वे ऐसा पूछ रहे हैं। अगर हम लोग आगे चले तो रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया है कि वे सुल्तान इल्तमिश की बेटी थी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो शासन थे या रानी थी या राजा थे वे खुद क्या करते थे, तवारीखों के जरिए या इतिहासकारों के जरिए लिखवाते थे। तो जो रजिया थी उन्होंने क्या की, उसमें अंकित कराई है, मतलब सिक्कों पर या फिर अभिलेखों पर, कि वे सच में किसकी थी, सुल्तान इल्तमिश की बेटी थी। तो होता है कभी कभी कोई मानते हैं पर कोई नहीं मानते हैं, पर रजिया ने इस चीज़ को डिक्लेयर्ड, या फिर होता है ना कभी कभी हम लिख कर देने वाली बात, तो उन्होंने लिख कर दिए है कि वे सुल्तान इल्तमिश की बेटी थी।
अगर हम लोग आगे चले तो आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज था। किसका राज था? काकतीय, ठीक है, उस वंश की रानी रुद्रमता देवी। तो ऐसा नहीं है कि पहले, इसके पहले कभी जो स्त्री है वे राजा या रानी नहीं बनी, पहले भी रानियां बनती थी, उसके बाद भी आप लोगों को कई रानियां देखने को मिलेंगी। तो जो अभी आधुनिक प्रदेश में जो वारंगल क्षेत्र है, उस समय भी 1262 से लेके 1289 के जो व्यवहार में रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। अगर रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपने नाम पुरुषों जैसे लिखवा कर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था, तो जो रुद्रमा देवी है उन्होंने अपना जो नाम है वे पुरुष के तरह लिखवाया था, और उसका उन्होंने क्या किया था, भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी जो कि कौन थी, कश्मीर की रानी थी, कौन थी, रिद्दा। इसने लगभग, मतलब ये 12वीं शताब्दी की नहीं थी, जैसे मैंने आपको बोला कि ये सब चीज़ें पहले भी हो रही थी उसके बाद भी हो रही थी। तो कश्मीर की एक रानी थी रिद्दा, ठीक है, रिद्दा। तो इन्होंने, इसका जो शासनकाल था वे कब तक था, 980 से लेके 1003 तक। उसका नाम दीदी, बड़ी बहन से निकला है, तो आपने देखा होगा जो दीदी है वे, वहीं से वे नाम निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। तो ये पहले भी हुआ करती थी कि जो स्त्री है वे रानियाँ बनती थी, और उसके बाद भी ये देखा गया। हमने दोनों एग्जाम्पल यहाँ पर देख लिए। अब एक क्वेश्चन है, मिन्हास के विचार, जो इतिहासकार है मिन्हास, उसके विचार अपने शब्दों में आपको व्यक्त करना है कि किस तरह के जो विचार थे वे मिन्हास के थे। क्या आपको लगता है कि रज्जियों के विचार भी यही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासन बनना कितना कठिन क्यों था? आपको बताना है कि उस समय में कितनी तकलीफें, कठिनाई आती थी एक स्त्री के शासक बनने के लिए, वे आपको बताना है। उसके बाद आपको अगर यहाँ तक समझ में आ गई चीज़ें कि जो मिन्हाज सिराज इतिहासकार था वे क्या सोचता था, उसकी क्या सोच थी, तो अगर अब हम लोग आगे चलते हैं, खलजी और तुगलक वंश, ठीक है, आप लोग को पता है खलजी और तुगलक वंश कब आया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आया है कब आया है आपको बताना है, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है वे अगर आपको लगातार पता चलते जाएंगे तो आपको जो आगे की पढ़ाई है आपकी वे आसान हो जाएंगी। तो अब हम लोग उसको एक नज़दीक से नज़र में देखेंगे कि जो खलजी वंश था और जो तुगलक डायनेस्टी या फिर खलजी डायनेस्टी थी वे क्या थी, ठीक है। तो दिल्ली के सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार तथा प्रशासकों की जरूरत थी। तो दिल्ली सल्तनत को चलाने के लिए सूबेदारों की आवश्यकता थी, और ऐसे प्रशासक जो कि वहाँ पर जो चीज़ें चल रही है उनको सही तरीके से चलाए, उन सब चीज़ों की क्या थी, ज़रूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर कौन, इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। तो जो इल्तुतमिश थे वे इस चीज़ को बहुत तरीके से एक्सेप्ट करते थे, उन्हें ये चीज़ पसंद भी थी कि वे सूबेदारों को नियुक्त करें और जो काम है, जो प्रणाली है उसको चलाएं। तो इन गुलामों को फारसी में क्या कहते हैं, बदंगा कहा जाता है। तो ये जो लोग होते हैं, ये जो गुलाम होते हैं राजाओं के, शासकों के, उन्हें कहा जाता है फारसी में बदंगा। तो पहले जो भी चीज़ें थी वो फारसी में ही लिखी जाती थी, उसके बाद जो उसके पहले जो लिखा जाता है वो संस्कृत या फिर आपको पता है किस भाषा में लिखा जाता था। आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए क्योंकि आप लोग एक बड़ा टारगेट रखे हो, तो ये सब चीज़ें आपको अभी से याद रखना है। और अगर अभी आप लोग 7th या 8th क्लास में ही हो तो फिर आप लोग नहीं भी याद करते हो तो आपको यहाँ पे चीज़ें चल जाएंगी। तथा इन सैविक सेवा को खरीदा जाता था, उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। तो इन लोगों को जो नियुक्त करते थे उन लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने की आश्वासन या आह्वान दिया जाता था, कि वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। क्योंकि अब इन लोगों को क्या किया गया, नियुक्त किया गया है, और वे मालिक पर निर्भर होते थे इसीलिए सुल्तान भी उन लोगों के ऊपर भरोसा कर लिया करते थे, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे चले तो बेटों से बढ़कर गुलाम, ठीक है। अब आप लोग देखोगे कि जो बड़े बड़े शासक थे इन लोगों के लिए जो उनके बेटे थे उनसे बढ़कर उनके गुलाम हुआ करते थे, ठीक है। सुल्तानों की सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया उसे हमें देखभाल करनी चाहिए, उनका ऐसा मानना था। सुल्तानों को ऐसी सलाह दी जाती थी कि जिन लोगों को, मतलब जिन गुलामों को हम पाल रहे हैं, पोष रहे हैं, उन्हें उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनकी हमको क्या करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है।
ये चीज़ों को बहुत उस समय में माना जाता था कि गुलाम तभी बहुत अच्छा गुलाम मिलता है जब आपकी ज़िंदगी कभी कभी योग्य और अनुभवी ऐसे बहुत ही गुलाम जो होते थे वे बहुत ही कम मिलते थे जिनमें ये सब चीज़ें मिलती थी। ठीक है, बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलामी गुलाम से बढ़कर बेटे से बढ़कर होता है। तो ये जो अनुभवी गुलाम होते हैं वे क्या होते हैं, बेटों से ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद अगर आपके मन में क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का आपको आंसर है, लेना भी है और लिखना भी है। क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? तो आपको बताना है कि कोई भी शासक अपने बेटे पर ही भरोसा करना चाहिए, पर वो बेटे पे भरोसा नहीं कर कर जो गुलाम हुआ करते थे उन लोगों पे भरोसा करते थे। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो खलजी तथा तुगलक डायनेस्टी जो थी वे बदंगों का इस्तेमाल किया करते थे, साथ ही वे अपने आश्रित, क्या होता है आश्रित, जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो या उस पर निर्भर हो, मतलब कोई व्यक्ति जो किसी और पर निर्भर हो। ठीक है, निम्न वर्गों के लोगों के ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठते रहे, ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। तो कौन होते थे ऐसे सूबेदार और सेनापति, ये क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल गया है, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी थी। तो अब बहुत आवश्यक चीज़ है कि अगर सूबेदार है सेनापति है तो उसमें एक बहुत ही कॉमन बात है कि जो राजनीतिक अस्थिरता है वे भी पैदा होने लगी लगने लगेंगी। अगर हम लोग आगे चले तो गुलाम और आश्रित अपने मालिकों को संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारों की प्रति नहीं थी। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो गुलाम हुआ करते थे या जो आश्रित होते थे वे अपने जो शासक थे वे जिसके पास भी काम किया करते थे वे उनके लिए काफ़ी वफादार हुआ करते थे, है ना। ऐसा कोई भी वहाँ पे ऐसा नहीं कि वे धोखा दे देंगे समय आने पर, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। जो भी गुलाम हुआ करते थे, जो भी आश्रित हुआ करते थे वे काफ़ी वफादार हुआ करते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराव शुरू होने लगी थी। तो सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। तो तवारीखों में बहुत सारी जो आलोचनाएं हैं वे की है कि जो निचले खानदान के लोग ऊंचे पदों पर जब बैठ जाते थे तो दिल्ली के सुल्तानों की उन्होंने तवारीखों ने क्या की है, आलोचना भी की है। तो जो तवारीख थे, मैंने आपको पहले भी बताया कि तवारीख सच भी लिखा करते थे और समय आने पर वे सच के साथ भी लिखा करते थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तवारीख को जो बोला जाए वे लिखे, तवारीखों की खुद की एक आस्था होती थी, वे खुद की आलोचना भी करते थे और वे उनको जो करना है वे करते थे, पर कभी कभी ऐसा बिल्कुल नहीं होता था कि बिल्कुल अपोजिट वे चले जाए। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जनरल। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद तुगलक ने अजीम खुमार नामक कंकाल शराब बनाने और बेचने वाले, जो कि फिरू हज्जाम नामक कई मन का तवाब नामक बावर्ची और लडरा तथा पीरा नामक मलियों के उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य में, मतलब लगभग 1450 के आसपास, इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने इन नियुक्तियों को उल्लेखित सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता का उदाहरण के रूप में किया है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन है, आपके ख्याल में से बरनी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की थी, यह आपको बताना है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ओके, अगर हम लोग आगे चले तो देखेंगे कि जैसे पहले वाले सुल्तानों की तरह जो खलजी और तुगलक ने भी क्या किया, सेना नयन, मतलब सेना को जो देख रेख करते थे और भिन्न भिन्न आकारों के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया, मतलब ये कि उन लोगों ने नियुक्ति चालू कर दी। उस समय में क्या होता था, फौज बड़ी होती थी, शासक एक होता था और उसके जो जन थे वे बहुत सारे हुआ करते थे। तो ऐसे में पूरी जितने भी शासक है उसको चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। तो उन लोगों ने क्या किए, जो सेना सेना को चलाने के लिए जो नायक होते थे उनको नियुक्त किया। फिर उसके बाद जो आकार के इलाकों के जो सूबेदार हुआ करते थे उनके रूप में भी उनको नियुक्त किया, और वे जो इलाके होते थे उसे उन्होंने क्या कहा गया, उसे इक्ता कहा गया। तो इक्ता किसे कहते हैं, जिन इलाकों में ये नियुक्त किए गए उन इलाकों के जो सेनानायक या सूबेदार होते थे वे क्या कहलाते थे, इक्ता कहलाते थे।
और इन्हें संभालने वाले अधिकारी कभी कभी उनको इक्तदार या फिर मुक्ति कहे जाते थे। यह आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से नियुक्ति हुई, नियुक्ति फिर जो इलाके थे उनको चलाने के लिए उन्हें क्या कहते थे, इक्तदार या फिर मुक्ति का हाथ कहते थे। तो मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, मतलब जो सैनिक अभियान थे उनको जो मुक्ति था वे क्या करता था, नियुक्त करता था, उनका नेतृत्व करता था सॉरी, और वे अपने इक्तों के कानून और व्यवस्थाएं बनाए रखता था। तो जितनी भी चीज़ें हैं जो जरूरी होती थी एक शासन को चलाने के लिए, उन सब चीज़ों को ये क्या करता था, कानून को वे बनाए और व्यवस्था से रखता था। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन वे मुक्ति अपने इलाके के राजस्व की वसूलियाँ करते थे। तो जो राजस्व था उसकी वसूली, जो कि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि किस तरीके से जो राजस्व की वसूली हुआ करती थी उसको वे वसूलते थे, और वे जो राजस्व के रूप में उनके जो रकम मिलती थी वे अपने सेना जो उनके सैनिक थे उनको वे क्या करते थे, तनख्वाह देते, मतलब पेमेंट दिया करते थे। तो वे पहले क्या करते थे, जो पूरा जितना भी कर था उसको वे क्या करते थे, कलेक्ट करते थे, और उस जो राजस्व की वसूली होती थी उस वसूली में से वे अपने सैनिकों को तनख्वाह भी दिया करते थे। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल लोगों से काम करवाया जा रहा है, अगर कोई नियुक्त किया गया है तो उसको उसकी जितनी भी तनख्वाह है उतनी तनख्वाह भी दी जाती थी। ठीक है, मुक्ति लोगों पर काबू करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनके पद परंपराओं से न चले और उन्हें कोई भी इकता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले। तो इसके लिए वे क्या करते थे, उनको सही तरीके से चलाने के लिए या प्रभावी तरीके से काबू में रखने के लिए जो इकता होते थे उनको भी लगातार ना मिले, उनको भी थोड़ी समय तक के लिए मिले। उससे क्या होता था, फिर उसके बाद उस समय बाद अगर वे ज़्यादा ही उनको प्रभावी तरीके से चलाना है तो वे क्या कर देते थे, कुछ समय बाद उनको स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों की बड़ी सख्ती से पालन होता था। तो जो जो लोग नियुक्त होते थे उनका पालन बहुत ही सख्ती से करना होता था। किसके काल में, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के। ठीक है, तो मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। तो जो राजस्व वसूलते थे उसका लेख देख मतलब कितना हुआ, क्या हुआ, कहाँ पर किसकी कितनी तनख्वाह हुई, उसके लिए जो एक अधिकारी नियुक्त करते थे उसे क्या कहते थे, लेखा अधिकारी उन्हें कहा जाता था। तो ऐसे लोगों को भी वहाँ पर उस समय नियुक्त किया जाता था। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल राज चल रहा है तो चल रहा है या जो शासन है वे चल रहा है तो चल रहा है, हर चीज़ के लिए बराबर नियुक्ति की जाती थी। जैसे अभी आप भी देखोगे कि अगर आप एक ब्यूरोक्रेट हो या मुख्य तौर पर आप एक ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हो तो पूरे सरकार या पूरे देश को चलाने के लिए जो अधिकारी होती है, जो हम होते हैं ब्यूरोक्रेट होते हैं, है ना, नौकरशाही होती है, तो ये अभी भी होती है। तो ये उस समय भी ये सब किए जाती थी। ठीक है, जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों तो जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में लाए तो उन्होंने भूमि के स्वामी जैसे कि सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपने सत्ता के आगे झुकने के लिए बाध्य कर दिया। तो कैसा हुआ, जब दिल्ली के सुल्तान जब जगह को जीतने लगे तो उन लोगों ने क्या किया, जो स्वामी सामंत थे, हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में भी देखा है कि सामंत और उनसे जो बड़े होते थे वे महासामंत होते थे, महामंडलेश्वर होते थे। तो उन लोगों को भी जो अमीर जमींदार थे अपने सत्ता के आगे उन्होंने झुकने के लिए क्या कर दिया, बाध्य कर दिया। किसने बाध्य कर दिया, दिल्ली के सुल्तानों ने। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खलजी ने शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने के अधिकार छीन लिया गया। तो जो सामंत थे, जो स्थानीय सामंतों थे, उन्होंने उन लोगों से किस चीज़ का अधिकार छीन लिया, कर लगाने का जो अधिकार था उसको छीन लिया, बल्कि सब वे उन्हें भी कर चुकाने का बाध्य किया गया। मतलब अब उन्हें भी जो कर था वे भी चुकाना पड़ता था। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और वे अपने हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली के अधिकार के रूप में सल्तनत की रोकनी करने लगे। अब एक बहुत आसान सी बात है, जब बड़े बड़े जो सामंत थे, है ना, जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े जमींदार थे, अब वे उनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, तो उन्होंने क्या किया, कुछ अधिकारियों के रूप में
जो सल्तनत में वे नौकरी करने लगे, ठीक है, मतलब इन्हीं लोगों के पास वे नौकरी करने लगे, क्योंकि उनके पास कुछ चारा बचा नहीं। अब उन्हें जो जीवन चलाना है उसके लिए ही पैसों की कमी पड़ गई, तो उन्होंने क्या किया, वहीं पर उन्होंने नौकरी जॉब कर लिया, ठीक है। उसके बाद उस समय तीन तरह के कर थे, ठीक है, तो कौन थे तीन तरह के कर थे, तो पहला कर था कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था। तो जो खराज होता था वे कर, मतलब जो खराज कर है ना, वे किस लिए लिया जाता था, कृषि पर, ठीक है, उसे क्या कहते थे, खराज कहते। तो आपको पूछा अगर जाए कि जो खराज कर था वे किस लिए लिया जाता था, तो आपको बताना चाहिए कि कृषि पर, ठीक है, जो कर लिया जाता था उसे क्या कहते थे, खराज कहते थे। जो किसानों की उपज का लगभग 50% होता था, मतलब अगर कोई 100 रुपये की कृषि कर रहा है तो उसे 50 रुपये खराज के तौर पर देना होता था। उसके बाद नंबर 2 को अगर हम लोग देखें तो मवेशियों पर भी कर लिया जाता था, ठीक है, तथा घरों पर भी कर लिया जाता था। तो कुछ इस तरह के जो तीन कर है, दिल्ली सल्तनत जब चल रही थी तो तीन करों को लिया जाता था। तो जो कृषि पर लिया जाता था उसे खराज कह देते। आपको ये याद रखना है, इसको पेन कॉपी में लिख लेना है। ये याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वे पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके भी घने जंगलों वाले क्षेत्र थे, जिनमें पैटनों में सुल्तान की सेनाएं समक्ष थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक ने इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती कर अपना अधिकार जमा लेते थे, और वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो ये 12वीं शताब्दी से लेके 15वीं शताब्दी का काल है, मतलब जो हमारा कौन सा काल है, जो मेडिवल हिस्ट्री जो है, मेडिवल इंडिया है, तो वे मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ, ये कॉन्फ्लिक्ट वाला है ना, कॉन्फ्लिक्ट वाला पीरियड था। इस पीरियड में लगातार जो युद्ध थे वे हुए जा रहे थे, क्योंकि लोगों को इलाका चाहिए था, वे इलाका जब्त कर लेते थे, तो लगातार लोगों के ऊपर जोर जबरदस्ती करके, झगड़ा करके, युद्ध करके वे क्या करते थे, जोर जबरदस्ती करके अपना अधिकार को जमा लिया करते थे। पर हो सक होता था कि वे कभी कभी कुछ ही समय तक वे अधिकार चल पाता था, ठीक है। अब सरदार और उनकी किलेबंदी है ना, तो अफ्रीका देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए, यानी कि इब्न बतूता ने बताया है कि सरदार कभी कभी, तो ये जो चीज़ें हैं वे कौन बता रहा है, अफ्रीका देश मोरक्को से 14 सदी में, ठीक है, 14वीं शताब्दी की वह पे बात चल रही है। तो आया एक यात्री, कौन यात्री, इब्न बतूता ने बतलाया है कि कभी कभी सरदार क्या करते थे, चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे, और कभी कभी बांस बांस के झुरमुटों से, भारत में बांस पोला नहीं होता था, तो आपने अभी देखा होगा कि जो बांस होता है ना, ये जो सब बांस होता है बारीक सा, तो ये पोला होता है, लेकिन भारत में उस समय में जो बांस होता था वे पोला नहीं होता था, इसके अंदर भी जो जगह थी वो एकोपाइट हुआ करती थी। ये बहुत बड़ा होता था, इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते थे कि उन पर आग का भी असर नहीं होता था। तो इतने बड़े बड़े होते थे ये कि इसमें जो आग भी अगर लगाए तो ये आग लगने में काफ़ी मुश्किल हुआ करती थी, ठीक है। उसके बाद वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते थे। सरदार इन जंगलों में रहते थे और इसके लिए वे किले के प्राचीर का काम देते थे। इस दीवार में घेरे गए उन मवेशियों को फसल रहते थे, अंदर का पानी उपलब्ध रहता था, अर्थात यहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसीलिए उन्हें प्रभावशाली सेनाएं के बिना हराया नहीं जा सकता था। तो ये कुछ कारण थे जिस कारण से जो प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती थी। तो इतनी चीज़ें आपको किसने बताया है, इब्न बतूता ने बताया है। अब आपको बताना है कि सरदारों की रक्षा व्यवस्था का आपको वर्णन करना है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ओके, उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने क्या किया, 1219 में, ठीक है, 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में एक जगह है जिसका नाम है ट्रांस ऑक्सियाना, जो कि अभी आधुनिक में उसका नाम चेंज हुआ है, उसको उजेबिस्तान कहते हैं। वहाँ पर क्या कर दिया, हमला कर दिया, और इसके बाद शीघ्र ही दिल्ली की सल्तनत को उनका दावा झेलना पड़ा। तो ये सब चीज़ें होती रह रही थी,
जैसे कि मैंने आपको बताया कि काल ही क्या था, कॉन्फ्लिक्ट वाला काल था, यहाँ पे युद्ध हो रहे थे लगातार। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के दावे बढ़ गए। लगातार जो मंगोलों थे, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, चंगेज़ खान कर रहा था, तो उसके जो दावे हैं वे बढ़ते गए। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले तो इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। होता है ना कि जब कोई बहुत हमारे ऊपर धावे बोलने लगता है, लगातार युद्ध करने की कोशिशें करते रहता है, तो उस समय हमको क्या करना पड़ता है, हमको अपनी एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ती है। वैसे ही इन दोनों सुल्तानों ने स्थानीय सेना खड़ी की। उसके बाद इतनी विशाल सेना को संभालना जो प्रशासन के लिए एक भारी चुनौती थी। ये बहुत ही एक ऑब्वियस बात है कि जब जो प्रशासन है उसको चलाने के लिए लोगों की जब चीज़ें बढ़ जाती हैं तो उनके लिए एक चुनौती वो बन जाती है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ों को देखने को मिला। उसके बाद अगर हम लोग आगे आए तो 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत, तो तालिका एक में हमको फिर से देखना है। जैसे कि हमको पता है कि तुगलक वंश के बाद, मतलब तुगलक डायनेस्टी के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी डायनेस्टी का राज रहा। ये बात हमको ऑब्वियस पता है कि पहले किसने राज किया, उसके बाद किसने राज किया, तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासन खड़े हुए, मतलब नए नए शासन बनते गए और वे लोग क्या हुए, आगे आते गए और वे चाहने लगे कि अब वे शासक शासन करके, जो शासक लोग थे नए नए, वे चाहते थे कि वे भी अपनी अपनी डायनेस्टी या फिर अपना वंश बनाए। उनकी राजधानियाँ समृद्ध थी और वे राज्य फल फूल रहे थे, क्योंकि उस समय में बहुत कम सल्तनतें थीं, बहुत कम शासक थे, तो उस समय में जो भी नए शासक आ रहे थे उनकी जितनी भी राजधानियाँ थीं वे तो पहले से समृद्ध थीं। अब वे जो उनके राज्य थे वे भी क्या हो रहे थे, फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह में उभरे। तो इसी काल में क्या हुआ, 12वीं शताब्दी के आसपास अफगान तथा राजपूत भी आने लगे। उसके बाद इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे, ठीक है ना, मतलब कुछ छोटे छोटे शासक थे लेकिन वे काफ़ी शक्तिशाली हुआ करते थे। उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। फिर उसके बाद शेरशाह सूर आया, जो कि 1540 से लेके 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया। शेरशाह सूर जब आया तो उसने क्या किया, अपने चाचा के छोटे से इलाके से उनने काम शुरू किया। उसके आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं, जो कि 1530 से लेके 1540 और 1555 से लेके 1556 तक को चुनौती दी और परास्त किया। तो इन्होंने वे, मतलब जब उसने छोटा से इससे काम शुरू किया तो उनने आगे क्या किया, इन लोगों को परास्त किया। उसके बाद शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके सब अपना राजवंश स्थापित कर लिया। तो शेरशाह ने किन लोगों को हराकर राजवंश स्थापित किया, तो इन लोगों ने किस लोगों को परास्त किया था, मुगल सम्राट हुमायूं को। उसके बाद सूर्यवंश ने केवल 15 वर्ष, जैसे कि 1540 से लेकर 55 शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605, बहुत बड़ा काल है। इसके बाद जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। तो ये सब तरह की चीज़ें हुई। अब आपको एक कल्पना करना है कि आप अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाए गए जो कर थे उसको नहीं चुका सकते, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको आंसर करते रहना है, उससे क्या होगा, आपका प्रीलिम्स और उसी के साथ साथ मेंस भी बनते रहेगा। उसके बाद कुछ शब्द है जो कि आपको याद रखना है, इकता, तारिक, गैरिसन, मंगोल, लिंग, खराज। उसके बाद आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं जो कि याद करना है, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं, जो समझने वाली चीज़ें होती है, इसको हम लोग क्या करते हैं, अपनी ऑफिशियली वेबसाइट studywala.com पे अपलोड कर देते हैं। तो अगर आपको वहाँ से चाहिए तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर जो भी शासक आते गए उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय।